तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही कमाल की ट्रिक। अगर आपको इस ट्रिक को यूज करते हैं तो आपके फ़ोन में क्या ख़राबी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हैंग कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बैटरी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नेट की प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ें आपको एक ऐप बताऊँगा जिसके माध्यम से पता कर सकते हो। और ख़ुद एप्लीकेशन वो आपको बता देगा आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है और क्या ख़राबी चल रही है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, छोटा सा वीडियो है और आपको यहाँ पे बहुत ही काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके मोबाइल की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सिर्फ़ एक एप्लीकेशन के माध्यम से सारी प्रॉब्लम आप अपना मोबाइल का सॉल्व कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉल्व भी करेगी और आपको बता भी देगी सबसे पहले कि आपका मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है, आपका मोबाइल कोई हैक तो नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। बट उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर देना। और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना, ताकि हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके और आप लोगों को कुछ आपको नॉलेज मिल सके। दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट करना है आपको, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको नाइस ट्रिक वेरी नाइस वीडियो लिख करके कमेंट कर देना। यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे कमेंट किए हुए हैं तो यहाँ पे कमेंट कर देना है। दोस्तों, उसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर यहाँ पर सर्च करना है आपको DR कैप्सूल। यहाँ पे लिखना है DR कैप्सूल एंटीवायरस क्लीनर बूस्टर, ठीक है। तो सिंपली आपको DR कैप्सूल लिखना है, ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसका लोगो देख सकते हो। इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है, तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसको सिंपली इंस्टॉल है सॉरी ओपन करूँगा। तो आपके सामने हम ओपन कर रहे हैं, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे कुछ करनी होती है। तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अलाउ परमिशन पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को बंद मत कीजिएगा, यहाँ पे पूरा देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को अलाउ कर देना है, अलाउ करते ही आपको परमिशन के लिए सेटिंग पे जाना होगा, तो इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली अलाउ कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, बट यहाँ पे टच कर देना है। टच करने करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्कैन का, ठीक है। तो सिंपली आपको स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे ही स्कैन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, आपको यहाँ पे सारी दिक्कतें मिल जाएगी और आपको प्रॉब्लम दिखा दी जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए हम स्कैन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम स्कैन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है DB अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रॉब्लम देख रहे होंगे कि मेरा स्टोरेज प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे शो करा दिया। तो यहाँ पे एक काम करना है आपको, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आना है और क्लिक करके यहाँ पे इस ऑप्शन को अलाउ कर देना है। जैसे हम अलाउ कर दिए, अलाउ परमिशन, और यहाँ पर DR कैप्सूल को ओपन करना है। जैसे हम ओपन कर दिए, उसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से अलाउ करना है और इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको बैक करना है। जैसे हम इसको बैक करते हैं, ठीक है, तो सिंपली गाइस आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी आपको नीचे की तरफ दिख जाएगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे जो भी मेरे प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन मिल गया। सिंपली आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फालतू का दिखा रहा है, शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी फिर से स्कैन करके आपको दिखा देगा। मैसेज कैलेंडर, यहाँ पे मैसेज में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो कि व्हाट्सएप मैसेज कुछ फालतू की मैसेज पड़ी हुई है, तो इसको हम क्लीन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद वाईफाई मैनेजर पे यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे अलाउ करना है इसको और यहाँ से इसको अलाउ करके इसको ऑन कर देना है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे वाईफाई सोलो काम कर रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे फास्ट काम करने लगेगी। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद हम आपको बता देते हैं दूसरा सेटिंग के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी। जैसे ही आप 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, 3 लाइन पे,
तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शो करा दे कि यहाँ पे वायरस स्कैन, यानी कि आपके मोबाइल में वायरस तो नहीं है। यहाँ पे बैटरी सेवर, यहाँ पे जंक क्लीनर, यहाँ पे फ़ोन बूस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हम सेटिंग आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट सेटिंग बैटरी सेवर है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइज मोड है, ठीक है। वहाँ पे वाईफाई मैनेजर है। ये तीन सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ऐप लॉक करना तो ऐप लॉक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी सेवर के बारे में बात करेंगे। बैटरी सेवर का मतलब हो गया कि आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा देर चलेगा अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं। तो मेरा सेटिंग ऑन है, तो यहाँ से हम बैक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिमाइज मोड में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपका मोबाइल कोई हैक तो नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे आपको अलाउ परमिशन करना है, और अलाउ करने के बाद इसको अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद बैक आना है। जैसे ही आप बैक आओगे तो यहाँ पे मोड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप मोड सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हाइपर चार्जर, स्लीप मोड, पावर सेवर, ठीक है। तो यहाँ पे तीन सेटिंग मिल जाएगी आपको। हाइपर का मतलब होगा कि आपका मोबाइल बिल्कुल फास्ट काम करे, चार्ज होगा। और स्लीप मोड में आप रख सकते हो, पावर सेवर में रख सकते हो, ताकि आपकी बैटरी बैकअप बढ़ सके, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उसके बाद मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आप अपने हिसाब से समझ करके आप कुछ सेटिंग कर लीजिएगा। मैं जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है मैं आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बता देते हैं ऐप लॉक का, तो ऐप लॉक भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। और वाईफाई का मैनेजर पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो अगर आपका वाईफाई प्रॉब्लम है तो यहाँ से इसको ऑन कर देना। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम करना शुरू कर देगा आपका मोबाइल, ठीक है, वाईफाई। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन, बहुत ही धांसू एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ पे आपकी फ़ोन की बहुत ही काफ़ी फास्ट काम करेगा और बहुत ही अच्छे से काम करेगा। सारी चीज़ें आपको सॉल्व कर देगी। जैसे कि मेरे फ़ोन देख सकते हो कि किस प्रकार से बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो आप भी सेटिंग को ऑन करके अपने मोबाइल में रख सकते हो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।